गरीबदास जी को परमात्मा ने प्रथम मंत्र दिया और जल पान वो कराए, दूध पान करा दिया। प्रथम मंत्र में ऐसे ही किया जाता है, दास भी जब से मंत्र देने लगा है, मेरे गुरुदेव भी ऐसे ही करते थे, प्रथम मंत्र के साथ आपको वचनामृत दिया जाता है, वचन से शुद्ध करके, और साथ में मिश्री दी जाती है ये, और मंत्र दिया जाता है ऐसे पेय पदार्थ के साथ, इसको पान परवाना कहते हैं। तो गरीबदास जी को ऐसे पान परवाना दिया था दूध के साथ, और फिर सतलोक लेकर गए। जब गरीबदास साहेब जी जा रहे थे, धर्मराज का लोक दिखाया, ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक दिखाया, और एक कॉमन स्वर्ग था वो दिखाया, ब्रह्मलोक दिखाया। ब्रह्मलोक के अंदर परमात्मा ने दिखाया कि एक नकली सतलोक, नकली अलख लोक, नकली अगम लोक और अनामी लोक, इस काल ने झूठी रचना करवा रखी है जीव को भ्रमित करने के लिए। और फिर धर्मराज के दरबार में लेकर गए, तो बर्मा द्वार पार करके परमात्मा सतलोक लेकर गए, सात संग ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के पार किए, और जब सतलोक में प्रवेश किया क्या देखा, सिंहासन के ऊपर परमात्मा विराजमान है, उनका इतना सुंदर शरीर है, तेजो में सुंदर शरीर, सफेद शरीर है मालिक का, बहुत सुंदर, और एक रोम में, रोम कूप समझो, रोम कहो, एक रोम कूप की इतनी शोभा है जैसे करोड़ सूर्य मिला देर करोड़ चंद्रमा, इतना नूर है उस परमपिता के बॉडी का, इतना सुंदर शरीर है, चमक इतनी निकल रही है उसके अंदर से।